हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट बाजार जैसे दही बड़े। इसमें वैसी ही जाली आएगी जैसी आपको बाजार वाले दही बड़ों में मिलती है। आप इसको होली, दिवाली या कोई भी अदर फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दही बड़े बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा कप उड़द की दाल और साथ में 1/4 कप मूंग की धुली हुई दाल। इन दोनों को ही मैंने लगभग 6 घंटे पहले पानी में गला दिया था। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गल गई है। ये देखिए, अब इसको मैं डालूंगी एक मिक्सिंग जार में। ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्सिंग जार में डालेंगे, साथ में दूसरी वाली दाल को भी मैं इसी में मिला दूंगी। और अब इसको मिक्सी में चला के इसका हमें बहुत ही अच्छा बारीक पेस्ट बनाना है। ये देखिए इसका बहुत ही अच्छा बारीक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, इसमें कोई दाने नहीं है। अब इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा पिसा है। अब इसको एक विस्कर की सहायता से हम बहुत ही अच्छे से फैटेंगे। लगातार हमें फैटना है, हमें एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, मिक्स नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से मैं चला रही हूँ। लगभग 6-7 मिनट के लिए इसको हमें अच्छे से चलाना है, इसमें एयर आ जानी चाहिए। जब इसमें एयर बनने लगता है तो ये बहुत ही अच्छा फ्लफी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से लगातार चलाना है तो इसमें एयर आने लग जाती है और स्मूथ बैटर बन जाता है। इसको चलाते हुए मुझे लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्लफी हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून नमक, और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून जीरा। जीरा और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। जीरा डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमें इसको बहुत तेजी से नहीं फैटना है, हल्के हाथों से इसको अब हम फैटेंगे। ये देखिए एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा ये बना है। अब चलते हैं गैस की तरफ और इनको तल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब हम इस मिक्स को लेंगे हाथों से, और हाथों से ही हमें बड़ों को डालना है। ये देखिए मैं हाथों में इस तरह से लेकर इसको डाल रही हूँ। अगर हमने मिक्स को अच्छे से फेटा है तो ये तेल में डालते ही ऊपर आ जाते हैं। अगर ये तेल में डालते ही ऊपर आ रहा है मतलब मिक्स हमारा परफेक्ट है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं इसको डालूंगी, एक साथ हमें बहुत सारे नहीं डालने हैं, नहीं तो ये चिपकने लग जाएंगे। ये देखिए दाल के एकदम ऊपर आ रहे हैं। ये देखिए सभी दही बल्लों को मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा तलने देते हैं। ये देखिए जब ये थोड़ा सा तलने लगते हैं तो इस तरह से अपने आप टर्न होने लग जाते हैं। हम थोड़ा सा हल्के हाथों से हिलाएंगे, अगर ये टर्न नहीं होते हैं तो हम इसको थोड़ा सा तलने के बाद टर्न करेंगे धीरे धीरे हल्के हाथों से। इसको हल्के हाथों से टर्न करना है और उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन होने तक तलना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको तलेंगे। ये देखिए सभी अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने जाली का यूज किया है ताकि ये अच्छे से ऑयल इसमें से निकल जाए। ये देखिए इनको मैंने निकाल लिया है, बाकी बचे हुए बल्लों को भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम डालेंगे और इनको तलने देंगे। ये देखिए सभी बल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। ये कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, इसमें जाली भी बहुत अच्छी आई है। ये जाली अच्छे से फटने से ही आती है। अब मैं एक बाउल में लूंगी हल्का गुनगुना पानी और इसमें हम भल्लों को डालेंगे। हल्का गुनगुना ही पानी हमें चाहिए होगा। ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ। जितने हमें एक बार में सर्व करने हैं हम उतने ही भल्ले डालेंगे, बहुत सारे एक साथ नहीं डालेंगे। बाकी बचे हुए भल्लों को आप स्टोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं, ये 4-5 दिन तक खराब नहीं होते। ये देखिए इनको मैंने डाल दिया है और लगभग 10 मिनट के लिए इनको मैं पानी में एब्जॉर्ब होने दूंगी। जब तक ये एब्जॉर्ब होते हैं हम दही की तैयारी कर लेते हैं। दही बड़ों में दही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दही के लिए मैंने लिया है 1 कप ताजा दही,
ये आपको थोड़ा सा पीला दिख रहा है क्योंकि ये गाय के दूध का है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून काला नमक और इसी के साथ 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर। ये दोनों मिलाकर हम अच्छे से इसको फेटेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से दही फैट गया है, एकदम स्मूथ दही तैयार हो गया है। अब इसको रखते हैं साइड में। दही भी रेडी है और भल्ले भी रेडी हैं, तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम भल्ले लेंगे, सॉफ्टली हाथों से इसको प्रेस करेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए हल्के हाथों से हमें इसको प्रेस करना है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही जो अभी हमने मैश किया था। अब इसी के साथ इसके ऊपर मैं डालूंगी इमली की चटनी, ये भी घर की बनी इमली की चटनी है। साथ में डालेंगे हरी धनिया की चटनी, नमक डालेंगे हम स्वादानुसार, थोड़ी सी ऊपर से हम डालेंगे लाल मिर्ची और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और लास्ट में इसके ऊपर अब मैं डालूंगी थोड़ी सी नमकीन। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आसानी से कट रहे हैं, ये बिल्कुल बाजार जैसे सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। ये देखिए इसी के साथ दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।